हिमाचल प्रदेश ग्रामीण अंशकालीन कर्मचारी संगठन ने मंडी में रैली निकाली और हिमाचल ग्रामीण बैंक प्रबंधन को एक ज्ञापन भेजा। रैली के दौरान विरोध पर उतरे ग्रामीण अंशकालीन कर्मचारी संगठन के कार्यकर्ताओं ने हिमाचल ग्रामीण बैंक प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अंशकालीन कर्मचारियों का आरोप है कि बैंक पिछले कई सालों से मात्र 2500 मासिक वेतन पर इनसे काम करवा रहा है, जो कि इनके साथ सरासर अन्याय है। अंशकालीन कर्मचारियों ने बताया कि नाबार्ड में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया गया है, जबकि बैंक प्रबंधन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इन कर्मचारियों ने बताया कि वे इस मांग को लेकर कई बार बैंक प्रबंधन के पास फरियाद कर चुके हैं, मगर बैंक प्रबंधन पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। विरोध प्रदर्शन पर उतरे इन कर्मचारियों ने बैंक प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते बैंक प्रबंधन ने इनके लिए मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं किया तो वे आंदोलन को और उग्र करेंगे, जिसका जिम्मेवार बैंक प्रबंधन होगा। हम यहाँ पे आज अब एक रैली निकाल रहे हैं अपनी मांगों को पूरी करने के लिए। जैसे कि हम लोग कई सालों से काम कर रहे हैं और सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, हमें सिर्फ वेतन 2500 रुपए दिया जाता है, हमें ना मिनिमम बैच मिला जाता है, जबकि नाबार्ड वालों ने मिनिमम बैच कर दिया है। 2500 से पूरा गुजारा नहीं हो जाता होता है, जैसे हमने अपने परिवार वगैरह पालना बहुत मुश्किल है 2500 रुपए में, और जबकि नाबार्ड वालों ने हमारा मिनिमम बैच एक्ट लागू कर दिया, परंतु चेयरमैन सर ऑफिस मैनेजमेंट कोई भी हमारे मिनिमम बैच एक्ट नहीं दे रहा है। जैसे ऑफिस अटेंडेंट की कई पोस्टें खाली है, मैसेंजर की उन्हें भी भरा नहीं जा रहा है, जबकि उन्हें उनके इलिजिबल हम लोग बहुत सारे हैं जिनको हम भर सकते हैं। हमारे बीच में कई तो इतने हैं कि काम करते करते मर भी गए और कई इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, पर फिर भी हमने इनको कई बार रिक्वेस्ट की, कई लेटर लिखे, पर फिर भी इसका इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा हुआ है। इसलिए हम आज एक रैली निकाल रहे हैं यहाँ पे अपने अंशकालीन सफाई कर्मचारी यूनियन वाले इकट्ठा होकर, ताकि ये हमारे बारे में कुछ सोचें।